नाजरीन वीकेंड विद कामरान अख्तर में आपको एक बार फिर हम खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, जिस खबर के हवाले से हम बात करेंगे, उस खबर ने पाकिस्तानी मुआशरे में और आलमी सतह पर पाकिस्तानी मुआशरत के हवाले से तहलका खेज असरात मुरतब किए हैं और वो वाक़ा है मीनार पाकिस्तान लाहौर का वाक़ा। ये वाक़ा 14 अगस्त को रूनमा हुआ और इसकी जो तफसीलात हैं वो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि वायरल हुआ ये वाक़ा। इस हवाले से वीडियोस वायरल हुई, बहुत सारी फेक वीडियोस इससे मंसूब करके वायरल की गई, लेकिन बहस बहरहाल इस पर बहुत ज़्यादा हुई है और पाकिस्तानी मुआशरत पर बहुत संगीन किस्म के सवालात उठाए गए हैं। इस हवाले से कुछ पहलू हमारे पेश नज़र हैं और जो इस खबर से जुड़े हुए हैं और जिन पर तहकीक, जिन पर बात, जिन पर बहस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मुआशरे में गुफ्तगू नहीं होती उस वक्त तक तब्दीली रूनमा नहीं हो सकती। अगर हमारे मुआशरे में कोई कमज़ोरी है, कोई कमी है, तो उसको इसी सूरत में ख़त्म किया जा सकता है कि लोग उस मौजू पर गुफ्तगू करें, लोग उस मौजू पर बात करें और बात करने के बाद कोई ऐसा नतीजा अखज़ करें जिस नतीजे को इम्प्लीमेंट करके मुआशरे की उस खामी को दूर किया जा सके। सबसे पहला इल्ज़ाम इस खबर के तनाजुर में जो हमारे मुआशरे पर लगा, पाकिस्तान के मुआशरे पर लगा, बरसग़ीर के मुआशरे पर लगा, वो इल्ज़ाम ये है कि ये मर्दों के गलबे का मुआशरा है, यानी यहाँ पर मर्दों को तमाम हुकूक हासिल हैं जो औरतों को हासिल नहीं हैं, मर्दों को वो तमाम इज्जत हासिल है जो औरतों को हासिल नहीं है। ये प्रोपेगंडा इस मुआशरे के अंदर एक बुनियादी तब्दीली लाने की जिद्दोजहद की कोशिश की एक कड़ी नज़र आता है कि जिसके तहत यहाँ पर औरतों को आगे लाने की कोशिश की जाती है और आगे लाने का ये मकसद कतई नहीं है कि औरतों को तरक्की दी जाए। इसका मकसद या इसका साफ साफ मुतालबा ये है कि औरतों को आज़ादी दी जाए। सबसे पहले हमें इस चीज़ की तरफ सोचना चाहिए कि क्या कौन सी ऐसी पाबंदियां हैं जो इन औरतों के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करती हैं, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके खिलाफ रिएक्शन करते हुए औरत की आज़ादी का मुतालबा किया जा रहा है। यकीनन जब ये सवाल उठेगा तो बहुत सारे हकायक हमारे सामने आएंगे। अब वो कौन सी आज़ादी है जो इस मुआशरे की औरत को दरकार है, या वो कौन सी आज़ादी है जो सलब होती नज़र आ रही है मीनार पाकिस्तान के इस वाक़े में? क्या औरत को पाकिस्तान में घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं है? अगर ये आज़ादी ना होती तो आयशा नामी उस टिकटॉकर को ये जरूरत ना होती, ये हिम्मत ना होती कि वो भरे मजमे में इतने सारे मर्दों के दरमियान मीनार पाकिस्तान में जाकर अपनी वीडियोस बनाती, अपनी सेल्फियां लेती। क्या औरत यहाँ महफूज नहीं है? इस सवाल के जवाब के लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप गली में निकली के लिए निकलिए, आप गाड़ी में निकलिए। अगर गाड़ी में लोकल ट्रांसपोर्ट पे या कोई भी ट्रांसपोर्ट है उसमें अगर बहुत ज़्यादा मुसाफिर हों और औरतें भी हों मर्द भी हों, तो वहाँ पर आप मुशाहिदा कीजिए कि मर्द बैठे हुए हों, सीटों पर बैठे हुए हों, नशिस्तों पर बैठे हुए हों, वो खड़े होकर आज भी औरत को बैठने का मौका देते हैं। आप जाइए घरों में, घर में आज भी औरत मुअज्जिज़ है, मोहतरम है। किस शक्ल में मुअज्जिज़ है? वो माँ के रूप में मुअज्जिज़ है, वो बहन के रूप में मुअज्जिज़ है और वो हर रिश्ते के एतबार से मुअज्जिज़ है और काबिले एहतराम है। अब हम देखते हैं कि मीनार पाकिस्तान वाला वाक़या क्यों दरपेश हुआ, क्यों ये वाक़या पेश आया अगर इस मुआशरे में औरत को इज़्ज़त हासिल है। इस औरत के ये जिससे ये मंसूब है ये वाक़या, आयशा नाम की ये औरत जब मीनार पाकिस्तान पर गई तो इसने बहुत सारे नौजवानों को इनवाइट किया। ख़बरों के मुताबिक इसने अनाउंसमेंट की कि लोग आएं और उसके साथ सेल्फियां लें, फिर वहां जाकर इसने इशारे किए और लोगों को बुलाया कि वो आएं और सेल्फियां लें, जहां पर एक भगदड़ की सूरत हाल मची और उस सूरत हाल में यकीनन इस औरत को भी नुकसान पहुंचा होगा। लेकिन इससे कहीं पर भी कोई पहलू ये नहीं निकलता कि हमारे मुआशरे में औरत गैर महफूज है, क्योंकि
अगर वो गैर महफूज होती या इस कदर खौफ होता या इस किस्म के कोई और वाकयात हुए होते तो यकीनन वो अकेली इतना बड़ा रिस्क न लेती जितना उसने लिया है और वो मीनार पाकिस्तान पर तन्हा पहुंची है सेल्फियां लेने। अब इस किस्म के वाकयात और इस किस्म के प्रोपेगंडे के पीछे जो मकासद दरपेश जो मकासद पेश नज़र होते हैं हम उनका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। किसी भी मुआशरे की जो रिवायात हैं वो उस मुआशरे की मजबूती का सबब बनती हैं। जब आप उन रिवायात के ख़िलाफ़ उन अपने लोगों को उभारते हैं, जब आप अपने ही लोगों के दिल में अपनी ही इज़्ज़त को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं और लोगों को ये रियलाइज़ कराने की कोशिश करते हैं कि हम मुआशरे के ख़राब लोग हैं, हम मुआशरे के बदतरीन लोग हैं, हम मुआशरे में ज़ालिम लोग हैं, तो यकीनन वो मुआशरतें जो मुआशरे होते हैं वो ख़ुदकुशी करते हैं, वो मुआशरे अपने ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हो जाते हैं और उन मुआशरों की इज़्ज़त नफ्स पामाल हो जाती है। ये इज़्ज़त नफ्स महफूज रखने के लिए ज़रूरी है कि इस वाक़े के पीछे जो हकायक हैं उन हकायक का जायज़ा लिया जाए और बजाय इसके कि हम आम मुआशरे पर इल्ज़ाम लगाएँ, अपने लोगों पर इल्ज़ाम लगाएँ, अपने ऊपर तनकीद करें, इसके मुहर्रिकात का जायज़ा लें, इसके मकासद का जायज़ा लें कि ये क्यों किया गया और कैसे हुआ। इसके अलावा इस वाक़े से जुड़ी एक और पहलू बड़ा अहम है, वो पहलू है पुलिस की गफलत, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने सख्त एक्शन भी लिया है, मुअत्तलियाँ भी हुई हैं, जवाब तलबियाँ भी हो रही हैं, लेकिन ये हमारे माशरे का एक सुलगता हुआ एक मसला है कि जब पुलिस को मदद के लिए बुलाया जाता है तो पुलिस नहीं पहुंचती। यही कुछ मीनार पाकिस्तान पर भी हुआ, जब उस लड़की ने अपने आप को बेबस पाया, जब उसको महसूस हुआ कि अब उसको तहफ़ुज़ की ज़रूरत है, अब उसको सिक्योरिटी की ज़रूरत है, अब उसको मदद की ज़रूरत है, उसने 15 पर कॉल की, लेकिन उस कॉल के नतीजे में कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुंचा। ये भी एक पहलू है इस माशरे का, इस ख़बर से जुड़ा हुआ, जिस पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। ये एक ऐसा मसला है कि जिस मसले ने आम लोगों को अदम तहफ़ुज़ का शिकार बना दिया है। तो इस ख़बर में बजाय इसके कि हम अपने माशरे की जो रवायात हैं उनको तनकीद का निशाना बनाएं और गैर हकीकी प्रोपेगंडा करें, हमें चाहिए कि जो इंतज़ामी खामियां हमें नज़र आती हैं उन खामियों पर काबू पाया जाए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।